सिन से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस पर इंतखाब के लिए आखिरी रोज चार उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। आखिरी रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से डॉक्टर खालदा मेंद्रो, डॉक्टर करीम ख्वाजा, अब्दुल रजाक शेख और पीटीआई के नूरुल हक कुरैशी ने कागजात नामजदगी फाइल किए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर बराए सेनेट इलेक्शन एजाज अनवर चौहान का कहना है कि मजमुई तौर पर चार उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पोलिंग 6 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है और उसके मुताबिक परसों इनकी फॉर्मों की स्क्रूटनी है, उसके बाद अपील का प्रोसेस है और विड्रावल के बाद 6 जुलाई को इंशाल्लाह पोलिंग है और पोलिंग के लिए सिंध असेंबली बिल्डिंग को पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बलदियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे, तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत अरसाल कर दिया है। हमने अपनी तरफ से मुकम्मल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कहा है, आईजी साहब को पुलिस फोर्स अवेलेबल होगी, लेकिन साथ साथ हमने रेंजर्स की और आर्मी की डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया और दरख्वास्त की है उनसे कि वो जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनसे रब्ता करें और 26 जुलाई के इलेक्शन के लिए फौज और रेंजर्स की तैनात के लिए हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन सिंध ने फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा है, जबकि महकमा दाखिला ने भी वफाकी वजारत दाखिला को इस हवाले से मरासला भिजवा दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारियां मुकम्मल है।